चलिए अब आपको सीधा बांसवाड़ा लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वो दिन भी आपने देखा होगा, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों का ख्याल रखा है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते ही आपके बीच में डूंगरपुर आए थे, इसी जिले में आज दिन हम बैठे हुए हैं। वो गुजरात गए, मध्य प्रदेश गए, उड़ीसा गए, सब जगह आदिवासियों में गए थे। तो आदिवासियों के प्रति कांग्रेस का क्या लगाव है वो सब आपको मालूम है। वो अधिकार दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी जी के वक्त में दिया गया है आपको, उसमें कमी रहेगी उनको दूर करेंगे। वैसे धाम जहाँ बैठे हुए हैं, हमारी सरकार बनते ही राहुल जी ने कहा कर्जा माफ होना चाहिए, हमने कर्जे माफ कर दिए कोऑपरेटिव बैंक के, भूमि विकास बैंक के, अब जो कर्जे बचे हुए नेशनल बैंक के, राष्ट्रीयकृत बैंकों के, चुनाव के बाद में वो कर्जे माफ करेंगे, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। कोई बाकी नहीं रहेगा। मोदी जी जो कहते हैं कि कर्जा माफ हुआ ही नहीं, आप सोच सकते हो प्रधानमंत्री असत्य बोल सकते हैं? हमारे तमाम फैसलों को वो स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनको वो खुद अपराध बोध से ग्रसित हैं, उनकी स्कीमें फेल हो गई, ना तो ब्लैक मनी आई एक रुपया, ना उन्होंने महंगाई कम कर पाए, ना रोजगार दे पाए नौजवानों को, उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा, ये चुनाव बड़ा महत्व है, पूर्ण है, ये देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है जो अमेरिका साहब ने बनाया था, और ये चुनाव देश को बचाने का है, संविधान को बचाने का है। कृपा करके यहाँ पर जो भारतीय तमिल पार्टी और पैदा हो गई, मैं नौजवानों को कहना चाहूंगा कि दो सीटें आपकी जीती जरूर है, पर इस बार आपने फिर खड़ा कर दिया अपने उम्मीदवार, कहीं ऐसा नहीं होगा आप जीतो ही नहीं और इसका लाभ बीजेपी को मिल जाए, उससे बचो। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, आपकी पार्टी है, और हमेशा आपका ध्यान रखा है, आगे भी हम वादा करते हैं कोई कमी नहीं आने देंगे। वैसे धाम का सरकार बनते ही हमने विकास बोर्ड की घोषणा कर दी है, विकास बोर्ड बनाना बहुत बड़ी बात है। अब आप जब आओगे अगली बार मेलों में, 3 साल के बाद देखोगे पूरा नक्शा बदलाव मिलेगा आपको वैसे धाम का, ये मैं आपको कह सकता हूँ। एक तरफ मंदिर का निर्माण हो रहा है, वैसे धाम का विकास बोर्ड बन गया है, तो सब लोगों को साथ दे करके सबकी सलाह से विकास होगा यहाँ पर। ये आपका पावन धाम है वो हमें मालूम है, तो मैं आपको यही आह्वान करता हूँ, अपनी बात समाप्त करूंगा, कृपा करके रघु मीणा को तो उदयपुर से, तारासिंह भगोरा जी को डूंगरपुर बांसवाड़ा से आप भारी बंदों से कामयाब करें, ये अपील करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। चलिए बांसवाड़ा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुन रहे थे आप, जिन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि हमारी सरकार आते ही हमने किसानों के कर्ज माफ कर दिए हैं, और साथ ही बीजेपी और नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया काले धन और बेरोजगारी पर।